अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पब्लिक जिस तरह कोरोना को ले रही है, वह तो ले ही रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था भी कमोबेश ऐसी ही है। बीती रात मेडिकल कॉलेज से आइसोलेशन वार्ड ले जाए जा रहे 12 में से 9 मरीज मौका पाकर भाग निकले। इन सभी को अगले 14 दिन के लिए सुभारती मेडिकल कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड भेजा जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था व सरकारी व्यवस्था को आईना दिखाने वाली इस घटना को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस से भी छिपाए रखा। जब पता चला तो हड़कंप मच गया, पुलिस भी हरकत में आ गई। सभी के मोबाइल नंबर थे, लिहाजा सभी को पुलिस ने फ़ोन पर समझा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सभी फरार हुए मरीज वापस मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। आइए पहले देखते हैं क्या बता रहे हैं एसपी सिटी अखिलेश नारायण। मेडिकल कॉलेज में रात 9 बजे का ये वाकया है, जिसके बारे में 12 बजे के लगभग कुछ अन्य सूत्रों से पता चला कि सुभारती मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करते समय जो क्वारंटाइन में रखे गए 9 लोग थे वो निकल गए हैं। यह जानकारी थाने को भी नहीं दी गई थी, वहाँ जो पुलिस का स्टाफ लगा रहता है मेडिकल कॉलेज में उसको भी नहीं पता था। तो इसके बारे में जब गहन छानबीन किया गया तो करीब 12:30 बजे के लगभग 9 लोगों की, रात 12:30 बजे 9 लोगों की एक सूची मिली, जिसके बारे में बताया गया कि सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाते समय ये लोग यहाँ से निकल गए हैं। पूरी सूची की छानबीन किया गया तो उसमें से एक मेडिकल कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में ही पेशेंट मिला, दूसरा सुभारती मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में है जिसको मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था। शेष 6 लोगों के बारे में जानकारी किया गया, उनके फ़ोन नंबर के आधार पर कॉन्टैक्ट किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि सबका टेस्ट रिपोर्ट कोरोना का निगेटिव आने पर उनको जब सही कोई जानकारी नहीं हो पाई कि उन्हें क्या करना है तो उन्होंने सोचा कि अब उनको घर चले जाना है, तो इस आधार पर वो घर चले गए थे। सभी को मेडिकल कॉलेज में बुला लिया गया है, सब मेडिकल कॉलेज पहुंच भी गए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराने आदि विषय कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक तथ्यों के आधार पर भागने जैसी कोई बात नहीं पता चला है, ये नासमझी जैसी कोई चीज़ लग रही है। पूरे तथ्यों की छानबीन किया जा रहा है। नौ की सूची में एक नाम ऐसा है जिसका पता सही नहीं होने की वजह से मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से विस्तृत पूछताछ करके और अन्य सूत्रों से जानकारी करके उसके बारे में भी देखा जा रहा है। आज दोपहर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से भी बात की गई, देखते हैं क्या बता रहे हैं वे। पहली बात तो ये, आप अच्छी न्यूज़ एक सुन लीजिए कि कल हम लोगों के एक और पेशेंट डिस्चार्ज हो गई, मरियम नाम की पेशेंट थी, वो डिस्चार्ज हो गई, ठीक होकर के अच्छी हो गई। ये क्वारंटाइन नहीं था, ये पेशेंट सस्पेक्ट वाले आते हैं जो कि थोड़ी देर हमारे यहाँ रुकते हैं जब तक उनका सैंपल का रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और वो सैंपल रिपोर्ट आ गई थी, वो सब लोग निगेटिव थे, उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ से फिर उनको क्वारंटीन जाना था, नीचे एम्बुलेंस को बुलाया गया था, शायद एम्बुलेंस आने में थोड़ी लेट हुई या एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी हुई थी और उसमें से कुछ लोग उसमें चढ़े, कुछ लोग निकल गए। अभी मुझे जो खबर मिल रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ लोग जो है वहाँ पे गार्ड भी थे, पुलिस वाले भी थे, लेकिन शायद उनके फियर में वो लोग उनको तक टच नहीं किए, इसलिए शायद वो चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों को फ़ोन किया गया तो वापस आ गए। इस घटना व आज के मेरठ कोरोना अपडेट की जानकारी सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने दी, देखते हैं वह क्या बता रहे हैं। मेरठ में अभी तक 82 पॉजिटिव केस आए हैं और हमारे 18 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 की डेथ हुई थी और कल हमारे लगभग 105 प्राइवेट लैब और सरकारी लैब में मिला के सैंपल हुए थे जिसमें एक पॉजिटिव आया है। साबुन गोदाम से कल एक पेशेंट मिला है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या जानकारी मिल रही है? अभी सिर्फ ये जानकारी मिल रही है कि उसका जो डायबिटिक है वो, उसको बुखार आ रहा था, उसमें प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोविड का उनको टेस्ट बताया, उन्होंने प्राइवेट लैब से करवाया, उसमें वो पॉजिटिव आए हैं और उनके घर के 3 सदस्य हैं, उनको क्वारंटाइन कर लिया गया है, उनकी आज रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। 19 हॉटस्पॉट में बन चुके हैं मेरठ में, कल जो नया आया है उसको 19वां हॉटस्पॉट बनाया है साबुन गोदाम का।
रजबन की, रजबन के जितने भी टेस्ट हैं आज लगेंगे, वो आज गए हैं मेडिकल, शाम चले गए थे मेडिकल कॉलेज में, आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आएगी, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई। सर रजबन में जो महिला को पॉजिटिव निकला था, उसके जो हस्बैंड है सब्जी विक्रेता थे, उनकी रिपोर्ट क्या है? उनकी रिपोर्ट भी शाम तक ही आएगी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। इस खबर में अभी फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।